तो अल्पसंख्यकों के अधिकार को लेकर सियासी तलवारें म्यान से बाहर आ चुकी हैं। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ जुबानी तीर बरसा रहे हैं, खुद को अल्पसंख्यकों का हितैषी बता रहे हैं, विरोधियों पर अधिकारों के हनन का आरोप लगा रहे हैं। ताजा विवाद वक्फ बोर्ड को लेकर कानूनों में संशोधन का है। सरकार इसमें बदलाव चाहती है, विपक्ष इसे राजनीति बता रहा है। पक्ष और विपक्ष एक बार फिर आमने सामने हैं। लोकसभा के अंदर हंगामा और बाहर बयानबाजी हो रही है। आज केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ कानून में संशोधन के लिए बिल पेश किया। इसके बाद रिजिजू ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजने का भी प्रस्ताव रखा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करके इस बिल को रेफर किया जाए और फिर ऑल पार्टी अपने संख्या के हिसाब से वहाँ पे विस्तार से चर्चा करे और स्टेक होल्डर से बुला करके जो भी सुनना है आप इस कमेटी को अधिकृत रूप से यहाँ से आप पास कर दीजिए। सरकार ने इस बिल को अल्पसंख्यकों के हित में बताया। किरेन रिजिजू ने अहमदिया मुसलमानों के अधिकारों की बात कही और INDIA गठबंधन के सहयोगी दलों पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। ये कम संख्या है, इसलिए क्या उनका सोच उनका प्रॉब्लम का नजरअंदाज करेंगे सर? सर आगा खानी संख्या कम है क्या उसके बात को नहीं सुना जाना चाहिए सर? एक कम्युनिटी डोमिनेशन करके अगर छोटे छोटे लोगों को कुचल देंगे तो फिर हम इस सदन में बैठ करके हम न्याय कैसे दे सकते? इस बिल में बदलाव को लेकर बीजेपी को JDU का भी साथ मिला। जब से इस बिल की चर्चा शुरू हुई है तब से विपक्ष JDU के स्टैंड को लेकर भी सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन आज नीतीश के करीबी ललन सिंह लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए। विपक्ष से कानून के मुसलमान विरोधी होने का सबूत मांगा, कांग्रेस को मंदिर मस्जिद और संस्थानों का अंतर भी समझा दिया। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? वहीं विपक्ष की तरफ से इस बिल का जमकर विरोध हुआ। अखिलेश यादव ने विरोध से एक कदम आगे बढ़कर सदन में बैटिंग की, सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए, इसे मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र बताया। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ रहा है ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? बात अल्पसंख्यकों की थी तो असदुद्दीन ओवैसी कैसे पीछे रहते? लोकसभा में बोलने का समय मिला, सरकार को मुसलमानों का दुश्मन बताया और इस बिल को देश को बांटने की साजिश तक करार दे दी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। अब इस बिल को लेकर JPC में चर्चा होगी। जाहिर है देश के 30 वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर लाए जा रहे इस कानून को लेकर अभी सियासी तापमान और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा कि कैसे वक्फ बोर्ड बिल को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा।